डी न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। हम इस वक्त हैं विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में। जी हाँ, वही छत्तर मेला जहाँ पे पशुओं का जो है वो बहुत अलग अलग राज्यों से पशुएं आते हैं जिनको बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है। तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं हम लोग जहाँ पे अभी मौजूद हैं, ये जहाँ पे हैं बहुत सारे घोड़े हैं। अभी हम यहाँ आए तो हमें ये पता चला कि जो बाहुबली और कटप्पा हमने अपने पहले खबर में दिखाया था, जो दो घोड़े थे जो काफ़ी महंगे थे, वो बिक चुके हैं। बट अभी फिलहाल जो यहाँ के ओनर हैं, मालिक हैं घोड़ों के, उनसे हमने बात किया तो हमें पता चला कि एक घोड़ा है जो कि 7 लाख का है। तो हम अभी उसके बारे में जानेंगे। और इस घोड़े की खास बात ये है कि ये घुंघरू पहनने पे ये डांस करके दिखाता है। हम वो भी देखेंगे, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका नाम क्या है। भैया इसका नाम क्या है? हमारा, हाँ आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद साजादा खान है जी। हमारा घर शेखपुरा बसंतपुर थाना जिला सिवान में जी। सिवान, आप मतलब सिवान से ही है। ये घोड़ा भैया इसका नाम क्या है? ये घोड़े का नाम सुल्तान है। सुल्तान है तो इसका भैया अभी प्राइस क्या है? इसका 7 लाख। 7 लाख। इसकी खासियत क्या है हमारे दर्शकों को? ये नस्ल अच्छा है, मारवाड़ नस्ल का घोड़ा है और 18 महीने का बच्चा है। 18 महीने का जी, है ये। जी, जी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि 18 महीने का है। जी जी, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जी जी। तो भैया इसकी खासियत क्या क्या है ये बताइए। खासियत है कि अच्छा क्वालिटी का घोड़ा है बस। हाँ। और मतलब हमने सुना है कि ये डांस भी करता है। सब है, सब तो आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे जी, एक बार जी, जी, जी। देख सकते हैं ये भैया जो है ये घुंघरू पहना रहे हैं उसके पैरों में। भैया नाम क्या है? इसका नाम राजा है। राजा है ये, ठीक है। ये राजा घोड़ा है, ये आपको डांस करके दिखाएंगे, हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। देखिए आप, घुंघरू लगते हैं, इनके पैर थिरकने लगे हैं, आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। जब ये नाचता है तो आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ लग गई है यहाँ पे इसका डांस देखने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं। हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि जो दो घोड़े थे बाहुबली और कटप्पा वो बिक चुके हैं, बट अभी भी हैं यहाँ पे कुछ घोड़े मौजूद हैं जिनमें उनका नाम सुल्तान है। अभी ये जो हमने बोला है इनको कि घुंघरू पहना के डांस करके दिखाएंगे, तो बस ये अभी शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, इनका डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ किस तरीके से जम गई है आप देखिए। ये भी यहाँ पे कुछ घोड़े हैं, बट ये इनमें से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जिसको बोल सकते हैं वो यही है। इंसानों को तो आपने डांस करते देखा ही होगा, बट ये पहला घोड़ा हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डांस करता है। चीज़ को देखें, आप देखिए किस तरीके से ये डांस करना शुरू कर दिया इन्होंने। ये देखिए आप किस तरीके से ये डांस कर रहे हैं, देखिए आप वीडियो के माध्यम से, बस देखते जाइए। ओह वाह, देखिए किस तरीके से पैर उठा उठा के हवा में ये डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। राजा नाम है इस घोड़े का, और इंसानों को तो आपने डांस करते देखा ही होगा। और इस घोड़े में ये कलाकार घोड़ा है भाई, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरीके से। ये देखिए इन्होंने पूरा दोनों पैर हवा में उठा के किस तरीके से ये डांस कर रहे हैं। ये ऐसे नाच रहे हैं जैसे इनके घुंघरू खुल चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कमांड मानने वाला घोड़ा है ये। इंसानों में ही नहीं मतलब घोड़ों में भी है जो बहुत ज़्यादा बुद्धि मानी जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डांस कर रहे हैं। अभी हम यहाँ के जो मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे, जो ज़मीन के मालिक हैं। पहले हम चाहते थे कि आप इस घोड़े का टैलेंट देखें। हाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है ये कर रहे डांस। तो अब हम यहाँ के मालिक से बात करेंगे, जो ज़मीन के मालिक हैं, जो ये ज़मीन देते हैं लोगों को ये घोड़ों की प्रदर्शनी लगाने के लिए, जहाँ पे घोड़ों का व्यापार होता है, लोग शौक़ के लिए घोड़े लेते हैं। तो अभी हम उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ का जो प्रोसेस होता है वो करवाया जाता है। तो चलिए हम उनकी तरफ चलते हैं। चल के बैठिए, आप देख सकते हैं अभी तैयार हो चुका है घोड़ा। अब हमारी जो टीम आई है वो इस पर जाएंगी और देख सकते हैं वो बैठने जा रही है शिवानी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि कितना फ्रेंडली है। ये देख सकते हैं ये बैठ चुकी हैं इस पर, काफ़ी फ्रेंडली है ये। वाकई में मैं जितनी एक्साइटेड थी पहले से घोड़े पे बैठने के लिए, और मुझे जहाँ तक लग रहा था बस ये घोड़ा मुझे गिराए ना, बट जो भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी पहले से, और अभी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे मतलब। और ये काफ़ी फ्रेंडली है, और जैसा कि यति आप बता रही थी कि ये घोड़ा
बिल्कुल, जितना एक्सपेंसिव है ये होना भी चाहिए क्योंकि ये इतना फ्रेंडली है, मीन्स अमेजिंग, काफ़ी क्यूट है ये, तो मैं बता नहीं सकती, ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली है। दिखाया आपको भी वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से कितना फ्रेंडली है ये, तो अभी हम इसके बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे भैया से कि इन्होंने इसको कहाँ से लिया है और कितने टाइम से इसको पाल रहे हैं। बताइए भैया आप इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। ये घोड़ा 18 महीना का बच्चा है। हाँ। इसको हमने मड़वाड़ से लाया है, राजस्थान से लाया। हाँ। है आपने, तो आप कितने टाइम से इसको पाल रहे हैं? आप लाए थे तो ये कितने साल का था? हमारे पास ये 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीने का था तब आप इसको लेकर आए हैं। जी जी जी। तो ये मतलब आपने, मतलब आप जो घोड़ा पालते हैं, आपको ये शौक कब से है, मतलब घोड़ा पालना? हमारा 4 पूस हो गया, हमारा यही बिजनेस ही है, घोड़ा का यही बिजनेस है। मतलब आप हर साल आते हैं? हाँ, हर एक साल हमारे फादर आते हैं, हमारे चाचा है। चाचा आते हैं, तो आप लोग मतलब आपका पूरा परिवार, ये शौक भी कह सकते हैं आप, और आपका ये आमदनी का स्रोत भी है, जो भी आप कह सकते हैं इसको। हम घोड़ा खरीदते बेचते हैं, ऑनलाइन से भी बेचते हैं। आप ऑनलाइन भी बेचते हैं? ऑनलाइन आप किस तरीके से बेचते हैं? ऑनलाइन वीडियो दिखाकर, वीडियो दिखाते हैं आप? मतलब आपका ऑनलाइन चैनल होगा, आप उसके थ्रू बेचते हैं? जी जी, और सच्चाई बात बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, कोई मिलावट नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी किसी को, मतलब आप लोग ऐसा नहीं होता कि कभी आप रखे हैं कोई हादसा हो जाए उसके बाद? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है, हम सब जानते हैं, दवा दारू जो भी देना है सब जानते हैं। मतलब आप पूरा, और जो भी आपसे लेके जाते हैं घोड़े, तो आप उनको किस तरीके से बताते हैं? मतलब कोई आप चार्ट बना के देते हैं या? नहीं नहीं, हम इधर से ट्रेनिंग करके देते हैं। आप इधर से पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है? हम खुद ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग देकर नचाना कूदाना दौड़ाना। अच्छा। नहीं तो हम आदमी भेज देते हैं अपना। तो मतलब ये लोग बस शौक के लिए ले जाते हैं या फिर आर्मी पुलिस वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी आप देते हैं? लोग शौक के लिए ही, अगर आर्मी वाले मांग करते हैं तो हम उनको भी देंगे। आप आर्मी वाले? अभी तक आपसे मतलब लिया नहीं गया आर्मी वाले? नहीं, पहले दिए थे, पहले दिए 10 साल पहले। 10 साल पहले? हाँ, जब उसका कोटा निकलेगा तो हमसे मांग करेगा तो हम दे देंगे। कोटा जब निकलता है तो आप अपना घोड़ा वहाँ भी देते हैं? मतलब आप कम्प्लीटली आप खुद से ट्रेन करते हैं? जी जी जी। तो आप देख सकते किस तरीके, ले लीजिए आप अपना नाम भैया बता। हमारा नाम मोहम्मद शाहजादा खान है, हमारा घर शेखपुरा बसंतपुर थाना है, जिला सिवान बिहार। जी, सिवान से यहाँ? जी, हमारा नंबर है, मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर। तो आप, हाँ, दर्शकों को आप नंबर बता दीजिए ताकि अगर जिनको शौक हो आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करता है। जी जी, हमारा नंबर है 8434892054। कोई भी आदमी को घोड़ा लेना है, बेचना है, कुछ भी है, हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उसको अवेलेबल कराएंगे इंडिया के हर एक कोने में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भैया ने बताया हर एक चीज़, उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है। किन्हीं को भी अगर शौक हो, जो घोड़ा लेना चाहते हो, जो सोनपुर मेला ना आ पाए हो, जिन्होंने नहीं देखा हो इन लोगों को, तो हम अपने चैनल के माध्यम से उनसे विनती करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप आएँ और आकर देखें इन घोड़ों को। वाकई ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हैं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हैं ये घोड़े, कोई 8 महीने के, कोई 9 महीने के हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ आएँ। और यहाँ एक और घोड़ा है, भैया ने हमें बताया है, इनका नाम टाइगर है। आप भैया इनके बारे में बताइए, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं हम इनके बारे में। ये कितने महीने के हैं भैया? ये घोड़ा है 22-23 महीना का। 22-23 महीने का है, तो आप इनको कितने टाइम से रखे हैं? ये घोड़ा हमारे पास हो गया 1.5 साल। 1.5 साल। तो ये कितने के हैं? ये घोड़ा का दाम 3.5 लाख मांग रहे हैं, लेकिन कम बेस भी हो जाए, कम ज़्यादा भी हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका नाम टाइगर है इन घोड़े का। तो हम अपने दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे, अगर वो सोनपुर मेला आते हैं, जिनको भी घोड़ों का शौक हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सारे जानवरों का शौक रखते हैं, घोड़ों के शौक जिनके भी हैं, आप यहाँ सोनपुर मेला में आएँ। और आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने सारे अभी घोड़े यहाँ बाकी हैं, तो लोग यहाँ आएँ ज़रूर, अगर तो यहाँ आकर ज़रूर इनके बारे में जानें, और अगर पसंद आता है तो इन्हें भी आप अपना घर दें। अब फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहें आप बिहारी न्यूज़ के साथ।